माइनेज एंड एम फ्रॉम ओपन डेफ और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिडक्स टूल किट के बारे में सो so, चलिए फिर शुरू करते हैं शुरू करने के पहले ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप अगर स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और या फिर आप यहाँ आकर हमारे कोर्सेज मेन्यू के अंदर जाकर नोट अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किए है इसमें वीडियोज नए नए आते रहेंगे और रिडक्स है जो हम लोग इसी का फॉलो आउट कंटिन्यूड वीडियो बना रहे हैं हम आज अभी और रिएक्ट एक कम्पलीट फुल एंड फ्लेज विथ प्रैक्टिस फ्रॉम एंड एवरी थिंग यहाँ पर ये बना हुआ है सो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और प्लीज इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज don't forget to subscribe and hit the I'm sorry <laughs> if you are new to the channel please don't forget to subscribe us all right let's start so if you आप... इस रीडक्स टूल किट की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं प्लीज रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के ये चौथा वीडियो है तो पहले के तीन वीडियो जाकर फॉर श्योर देखिए फिर आकर आप ये चौथा वीडियो को पढ़िए तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रीडक्स कोर को रीडक्स कोर में हम लोगों ने रीडक्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा एक बेसिक वैनिला जावर प्रोजेक्ट के साथ बना बनाया देखा पढ़ा हम लोगों ने फिर आगे जाकर हम लोगों ने क्या किया अगर आप देखोगे यहाँ पर लेट मी कम ओवर ह्योर एंड यहाँ पे रहा हमारा रिडक्स कोर्स का फ्यूफुल प्लेलिस्ट और यहाँ देखो हम लोगों ने पहले रिडक्स कोड को समझा जहाँ पर हम लोगों ने uh, भी बनाया था। फिर को हम लोगों ने देखा था यह एक एडिशनल लाइव कोर्स हुई थी जहाँ पर एक क्रिप्टो डैशबोर्ड बनाया गया था और आज हम लोग पढ़ने वाले रिडक्स टूल के बारे में नाउ द क्वेश्चन रिडक्स कोड मैं समझ लिया हूँ रिएक्ट रिडक्स समझ लिया हूँ सॉरी रिडक्स टूल है क्या सो so, अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर एक देखो ये रीडक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है वी स्पेसिफिकली रिकमेंड दैट आवर यूजर शुड यूज रीडक्स टूल किट द रीडक्स टूल किट पैकेज एंड शुड नॉट यूज द लेगेसी रिडक्स कोड सो रीडक्स कोड को अब एक लेगेसी बोल दिया गया है मान दिया गया है और अब कहा जा रहा है इनफैक्ट ये टीम खुद सजेस्ट कर रही है कि भाई आप रिडक्स टूल किट यूज़ कीजिए तो आज चलिए हम लोग रिडक्स टूल किट के बारे में पढ़ेंगे क्या है कैसे है और आगे समझते हैं यहां आते हैं तो ये रिडक्स टूल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इसके डिफिनेशन क्या है द ऑफिशियल ओपिनियनेटेड इंक्लूडेड फॉर रिडक्स रिडक्स डेवलपमेंट होता क्या है एक है एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जहां पे हम लोग ग्लोबली स्टेट को मैनेज करते हैं ताकि कोई भी कॉम्पोनेंट को कभी भी किसी भी डेटा की जरूरत हो रिडक्स के पास जाता है स्टोर के पास जाता है और डेटा उठा लेता है तो ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है ना होता क्या है कि रिडक्स को कन्फिगर करना इनिशियल सेटअप करना बहुत मुश्किल हुआ करता था हम लोगों को अपने एक्शन डिफाइन करने पड़ते थे रिड्यूसर फंक्शन लिखने पड़ते थे रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम लोग स्विच केस फिर हम लोग को डिस्पैच करते थे फिर एक्शन क्रिएटर और वो एक्शन मैप होता था तो बहुत सारा प्रोसेस जाता था हम लोगों को एडिशनल लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करने पड़ते थे बट इसी को इसी इशू को सॉल्व करने के लिए रिडक्स टूलकिट इंट्रोड्यूस हुआ और ये एक ओपिनियडेड लाइब्रेरी और पैकेज है कह सकते हैं यहां देखो ये यह एक सिंपल है इट इंक्लूड्स यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई कॉमन यूज केस लाइक स्टोर सेटअप Creating Reducer, Immutable Update Logic। तो ये basically हुआ क्या है ना कि predefined functions वगैरह इन लोगों ने लिख दिया ए लिख दिया जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे और आसानी से रिडक्स प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं तो ये चीज रही ये ओपिनियटेड इसलिए क्योंकि प्रोवाइड गुड डिफॉल्ट फॉर स्टोर सेटअप आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग अपने अकॉर्डिंग जो सोचा इन लोगों ने वो बताया है ये बहुत पावरफुल और इफेक्टिव है सो तो so, हम लोग आते हैं गेट स्टार्टेड में और कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं सी बिहाइंड द सीन इट तो वो सेम लाइक रन कर रहा है कि भाई हम लोग एक्शन को ट्रिगर करते हैं वो एक्शन जाता है रिड्यूसर फंक्शन को हिट करता है रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है स्टेट को अपडेट करता है ग्लोबल स्टोर को और जब ग्लोबल स्टोर अपडेट होता है तो हमारा इन रिटर्न कॉम्पोनेंट रिटेंडर कर जाता है तो अभी भी वही हो रहा है इट जस्ट की हम लोग रिडक्स टूल किट के अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं और उसके कारण क्या होगा कि हम लोग एक सिंपलीफाइड वे है कि भाई हमको रिडक्स प्रोजेक्ट को सेटअप करना अब एक आसान हो गया और यूज करना भी आसान है तो यहां पर see, यहां पर यू सी द रिडक्स टूल किट पैकेज इज इंटेंडेड टू बी द स्टैंडर्ड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड टू हेल्प एड्रेस थ्री कॉमन कंसर्न तीन कॉमन क्या क्या था कि कॉन्फ़िगरिंग रिडक्स स्टोर इज टू कॉम्प्लिकेटेड

जैसे मैंने कहा ना Redux Toolkit वालों ने by डिफॉल्ट प्री configured एपीआई प्रोवाइड कर दिया जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं तो वो कौन से APIs है? So, configure store is the first API. ये क्या करता है ये create store को wrap किया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग इस utilities एपीआई को यूज करके हम लोग स्टोर क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट रिड्यूसर हेल्प मी टू क्रिएट अ लुकअप टेबल ऑफ एक्शन टाइप जो कि खुद से मैप करेगा रिड्यूसर फंक्शन से जो कि हम लोग लो आगे जाकर और सब चीजों को देखेंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट स्लाइस को ये आखिर है क्या तो सी क्रिएट स्लाइस एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसर फंक्शन और एक स्लाइस नेम एक्सेप्ट करता है एंड द इनिशियल स्टेट वैल्यू और ये तीन चीज प्रोवाइड करने पे ये क्रिएट स्लाइस फंक्शन करता क्या है एंड ऑटोमेटिकली जनरेट अ स्लाइस रिड्यूसर विथ कॉरिस्पॉन्डिंग एक्शन क्रिएटर एंड एक्शन टाइप तो ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है तो आज हम लोग मेजरली इसको यूज करेंगे और एक पूरा रिडक्स टूलगेट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे सो so, अब क्वेश्चन आता है कि अगेन आरटी के इज इन शॉर्ट यूज फॉर रिडक्स टूल अब क्वेश्चन आता है रिडेक्स टूल किट हम लोग किस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर सीखने वाले हैं क्या करने वाले हैं तो यहाँ है हमारा वो प्रोजेक्ट तो so, हम लोग एक रिडक्स टूल किट शॉपिंग कार्ट बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा होगा ये सारे इमेज का और डेटा और प्राइस स्टार ये सब कुछ हम लोग स्टोर कर लेंगे एक जे एस फाइल में और वहां से यूज करेंगे और ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा हो कि अभी देखो मैं अभी कार्ट को ओपन करूंगा तो ये एम है मैं इसे क्लोज किया एड टू तो कार्ट कहूंगा जैसे ही एड टू कार्ट किया एडेड हुआ और ये फिर अब हट गया आई फाइल गो टू माई कार्ट देखो वन काउंट दिखाने लगा अब मैं यहाँ जाऊंगा तो दिख रहा है कि हाँ भाई कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है सिमिलरली आई वेल कम बैक एंड चलो एक और ऐड कर लेते हैं जैसे ही मैंने किया ऐड अभी भी काउंट वन है क्योंकि प्रोडक्ट टाइप एक ही है बट अब देखोगे ये क्वान्टिटी अब दो हो गया है इसको हम लोग यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है आई विल कम बैक ओवर डे चलो भाई जे वी ट्यून भी अच्छा लग रहा है इसको भी ऑर्डर करते हैं इसको भी ऑर्डर करते हैं अब देखो ये थ्री आइटम हो चुका है और ये सब कुछ है और चेकआउट ये सब फुल्ली फंक्शनल नहीं है बट लेकिन ठीक है रिडक्स टूल समझने के लिए इतना काफी है आप यहाँ से चाहो तो आइटम क्वांटिटी घटा सकते हो आप देखो टोटल अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ से डिलीट कर सकते हो प्राइस हटा सकते हो आप देखो ये सिर्फ अकॉर्डिंगली इतना बचा तो यही प्रोजेक्ट को हम लोग आज बनाने वाले हैं सो आई थिंक अब आप लोग को समझ आ गया कि रिडक्स टूल क्या है इसको थोड़ा सा कंपेयर भी कर दिया मैंने पहले वाले से और अब रिडक्स टूल किट अप्रोच को यूज करके हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं तो एक मैंने बेसिक सा यहाँ सेटअप करके रखा है और इस बेसिक सेटअप में आप देखो कुछ नहीं हो रहा है एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन रन कर रहा है और इसी एप्लीकेशन को मैं धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा पूरा पूरा बनाऊँगा यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ पहले से स्टोर करके रखा है जैसे कि डेटा डेटा फोल्डर के अंदर आप अगर देखोगे तो प्रोडक्ट डेटा डॉट जे एक फाइल है जिसके अंदर में प्रोडक्ट के डेटा अवेलेबल है मैं इन्हीं डेटा को यूज करके वो लैंडिंग पेज पे आइटम्स को दिखाऊंगा तो ये चीज बस प्री कन्फिगर्ड डेटा यहाँ पे अवेलेबल है और क्या है अगर आप एप डॉट में जाओगे तो कुछ नहीं भाई भाई हेलो वर्ल्ड लिखा है 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 ये तो ठीक चलो सिंपल सा कुछ है। अदर देन दिस आप देखोगे यहाँ पे डेटा के अंदर में हम लोग इमेज यूर एल किए स्लैश इमेज वन डॉट पी एन जी तो ये पब्लिक के अंदर मैंने सारे इमेज को यहाँ पे रख रक के रखा हुआ है तो यहाँ से वो इमेज यूसेज मैं कर लूंगा इसके अलावा रिक्वायर्ड जितने भी सीएसएस है ना

स्टार्टिंग में क्या कहता है यहाँ पर कि रीडक्स टूल की जरूरत है और इसके साथ साथ रिएक्ट बाइंडिंग तो 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 के लिए मैंने पहले से रिएक्ट रिडक्स और रीडक्स जे टूल को इंस्टॉल करके रखा हुआ है और सैस मैंने इसलिए इंस्टॉल इस 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 किया है क्योंकि मुझे एस यूज करना था तो आई थिंक दिस इज इनफ ऑफ द एंट्रो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अगेन मैं क्विकली आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ ऐसा कुछ बनाना है तो इस प्रोजेक्ट जब मैं देखता हूँ तो आपको क्या क्या लगता है कि इसके अंदर क्या क्या रहा होगा कि एक हेडर है उसके बाद एक हमारे पास ये हेडर हो गया उसके बाद ये होम पेज होगा और फिर मेरे पास ये कार्ट एक कॉम्पोनेंट या पेज कह लो जो आएगा जो कि हम लोग करेंगे तो so, चलिए फिर कुछ ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर तो आ, मेरा अप्रोच क्या होगा कि पहले कुछ स्टैटिक डेटा से एक, कुछ एक पेज में डेटा लाते हैं देन आई विल स्टार्ट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे एक पेजेस का फोल्डर बनाते हैं पेजेस और इस फोल्डर के अंदर हम लोगों का पहला कंपोनेंट होगा होम.jsx क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो चलेगा ये ठीक है अब आता है होम.js के अंदर क्या-क्या होगा तो अगर मैं अगेन जस्ट टू सेव सम टाइम मैं कंटेंट को कॉपी पेस्ट करूँगा और एक एक चीज़ को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा तो मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट किया अब अगर देखोगे कि क्या किया मैंने प्रोडक्ट डेटा को इम्पोर्ट किया और कुछ नहीं किया है ये प्रोडक्ट डेटा कमांड क्लिक करूंगा ये कुछ नहीं है प्रोडक्ट डेटा है और गोइंग फॉरवर्ड जो कि अभी यहाँ देखोगे एक प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट है जो मैं अभी क्रिएट करूंगा अभी मैंने किया नहीं है जो करूंगा मान लो कि ये क्या है एक ये पेज है ये क्या करेगा हमारे प्रोडक्ट डेटा के ऊपर इटरेट करेगा और हर बार प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को यूज करके हमारे डेटा को यहाँ पे हमारे आइटम्स को रेंडर कराएगा तो ये कुछ रिक्वायर्ड हमने एस और सी एस क्लासेस लिख के रखे हैं और ये देखो क्या कर रहा है प्रोडक्ट डेटा के ऊपर मैप कर रहा है और हर बार एक आइटम ले रहा है और इस आइटम को हम लोग क्या कर रहे हैं आइटम को एज ए प्रॉप प्रोडक्ट कार्ड को पास कर रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड क्या है एक कॉम्पोनेंट है जो कि अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं प्रोडक्ट कार्ड कॉम्पोनेंट को बना लेते हैं तो हम लोग यहाँ आएंगे एस आर सी के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स के अंदर में हम लोगों का क्या है सबसे पहले क्या हम लोगों ने कहा है प्रोडक्ट्स कार्ड प्रोडक्ट्स कार्ड डॉट जेएसएक्स तो ये रहा अब हम लोगों ने यहां देखा कि भाई प्रोडक्ट कार्ड को हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं पूरा का पूरा आइटम पास कर रहे हैं आइटम आखिर है क्या तो आप देखो यहाँ पे आईडी इमेज रेटिंग टाइटल्स प्राइस क्वांटिटी ये बेसिकली हम पूरा इन्फॉर्मेशन एज ए प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो हम लोगों का काम क्या क्या हुआ हम लोगों का काम ये हुआ कि भैया अब प्रोडक्ट कार्ड डॉट जे जो है ये एक्सेप्ट करना चाहिए उन सब चीजों को तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट्स डिफाइन करेंगे और कॉम्पोनेंट में हम लोग रिक्वायर्ड कोड रहेगा तो हम लोग उसको करते हैं राइट तो ये रहा हमारा एक प्रोडक्ट कार्ड कॉम्पोनेंट जो कि अभी कुछ नहीं कर रहा है क्या कर रहा है ये बंदा भाई प्रॉप्स में प्रॉप्स एक्सेप्ट किया और प्रॉप्स के अंदर से हम लोग इमेज रेटिंग टाइटल प्राइस इन चार चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इमेज रेटिंग टाइटल प्राइस और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं आप देखोगे बेसिकली एच टी एम एस यूज करके हम लोग सबको यूज कर रहे हैं आई को यहां पर हम लोग एस के अंदर यूज किए स्ट्रॉन्ग के अंदर रेटिंग को यूज कर रहे हैं एच फोर के अंदर टाइटल को यूज कर रहे हैं प्राइस को लोकल स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं और एक बटन है जो कि कह रहा है एड टू कार्ड तो अब मैं इसको सेव करता हूं जब मैं सेव करूंगा इसे और यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ ये खुद से रिफ्रेश हो जाना चाहिए था ओके यहाँ पर अभी भी हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है आई एम वेरी वेरी इट्स सिली ऑफ मी डॉट तो भैया अभी भी खाली हेलो वर्ल्ड को रेंडर कर रहा है ना तो हम लोगों को ये होम कॉम्पोनेट को रेंडर कराना होगा तो उसको कराना बड़ा आसान है कि हम लोग पहले पहले होम कॉम्पोनेंट को यहाँ इम्पोर्ट करते हैं ठीक है इम्पोर्ट हो गया और इसको भाई हम एक काम करते हैं हेलो वर्ल्ड अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं और यहाँ पर ही सीधा सीधा मैं होम को रेंडर करा रहा हूँ ठीक है ओके okay, अब मैं जैसे ही सेव करूंगा आप देखो क्या हुआ अब सारे आइटम्स पे आ गए ऐड टू कार्ट बटन का सीएसएस कुछ गड़बड़ लग रहा है देखते हैं इसको आगे जाके बट आप देखो ये हमारे प्रोडक्ट्स दिखने लगे राइट right? तो ये हो क्या रहा होगा ये होम कंपोनेंट को जा रहा है होम कंपोनेंट क्या कर रहा है इंटरनली इसके ऊपर इटरेट करके प्रोडक्ट्स कार्ड को रेंडर कर रहा है और इसके अंदर हम लोग सारे इसको यूज कर रहे हैं तो ये तो रहा Uh, मतलब लिस्टिंग ऑफ फंक्शनलिटीज बाकी है वो क्या है आपको याद होगा हेडर में एडिशनल फंक्शनलिटीज भी है कि ये जो कार्ड का आइकन है ना ये इस क्लिक करने पे ओपन क्लोज होना इसी के अंदर लॉजिक है तो हम लोग इस लॉजिक को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे बट अभी मैं बस हेडर लगा रहा हूँ ठीक है तो हम यहाँ आएंगे और हम लोगों का काम क्या होगा कॉम्पोनेंट के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे हेडर डॉट जेएसएक्स और अब इस हेडर डॉट जेएसएक्स के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे ऑलराइट right. तो ये रहा हमारा हेडर कंपोनेंट का कोड सो so, आप देखोगे इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया कोई भी फंक्शनलिटी कुछ नहीं ऐड किया है इसको हम लोग धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो so, ये अभी के लिए क्या है बस एक सिंपल स्टीमल सेसेस जहाँ पे रिडक्स टूल किट शॉपिंग कार्ड हम लोग का हेडिंग है और ये रहा मेरा इमेज जो कि बैक का आइकन दिखाएगा और इस पैन में अभी देखोगे यहाँ पे आइटम जीरो दिखा रहा है आगे जाके एक्चुअल प्रोडक्ट का जो लेंथ होगा उसको हम लोग रेंडर करेंगे तो एक काम करते हैं कि हम लोगों को ये ऐप डॉट जे में यहाँ पे आके लिस्ट डाउन करते है ताकि ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाए तो मैं क्या करूंगा होम के ऊपर में अपने हेडर को रखता हूं तो मैं हेडर इसको सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है और जिस तरह से ये यहाँ आया हुआ है उस तरीके से हम लोग हेडर कंपोनेंट को भी ला सकते हैं ठीक है चलो तो अब हम लोग इसको सेव करेंगे जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो यहाँ कार्ड और ये आ गया अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग इसकी फंक्शनलिटीज को नहीं लिखे तो हम लोग यहाँ आकर भाई चलो अच्छा दिखने के लिए दो लिख दे और सेव करो तो आप देखो आइटम यहाँ पे पड़े तो आइडियली यही वो जगह है जहां पे हमको अपने स्टोर में इंफॉर्मेशन जो भी मैं अपने ग्लोबल स्टोर में स्टोर करके रखा हुआ होगा कि कितना आइटम है उसको रेंडर कराऊंगा तो ये तो रही एक बेसिक से स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन के आ गई अब हमारा काम क्या है अब हमारा काम है हमारे फंक्शनलिटीज को ऐड करना इनफैक्ट उसके पहले एक और काम करते हैं कि कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं सोचना कि इसको जब क्लिक करे तो यहां से हमारा कार्ट का जो कंपोनेंट है ना वो भी रेंडर होने लगे, राइट तो उसको हम लोग एक काम करते हैं अगर आप ओरिजिनल ऐप को देखोगे यहाँ आते हैं हम लोग जब हम लोग इस कार्ट को क्लिक करते हैं तो एक यहाँ से राइट साइड से कुछ ओपन होता है विंडो और यहाँ पे हमको आइटम्स दिखाई देते हैं ये कॉम्पोनेंट डेवलप करना अभी बाकी है जो हम लोग करेंगे तो पहले आते हैं हम लोग अपने स्टोर को सेटअप करते हैं स्टोर बोले तो रिडक्स स्टोर को ग्लोबल स्टोर को right, फिर, आ, हम लोग अपने स्टोर को क्रिएट करते हैं क्योंकि स्टोर में हम लोग अपने फंक्शनलिटी सारे लॉजिक को लिखेंगे और फिर जाकर जब मेरा पूरा का पूरा रिडक्स टोल किट का एक स्टोर रेडी हो जाएगा फिर हम लोगों को उसको स्टार्ट करेंगे यूज करना अगर आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि ये रिडक्स कोर नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग रिड्यूसर फंक्शन फिर उसके बाद एक्शन का फाइल फिर उसके बाद एक्शन क्रिएटर ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग स्लाइस अप्रोच को यूज करें क्योंकि हम लोग रिडक्स टूल हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ आते हैं एस आर सी के अंदर में एक रिडक्स या फिर चलो मैं इसको क्या कह दू आ, स्टोर कहता हूँ स्टोर नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया स्टोर के अंदर हम लोग सबसे पहले store.js को डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि यही जो है एक ग्लोबल स्टोर हम लोगों का क्रिएटेड रहेगा store.js और इसके अंदर एक और फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं क्योंकि आगे जाके होगा क्या जैसे-जैसे अभी तो मैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्ट के स्टेट को स्टोर करने वाले हैं पर हो सकता है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता तो हम लोगों का कोई और भी स्टोर अब स्टोर बेसिकली कोई और भी स्टेट को मेंटेन करना होता तो उस केस में हम लोग उसका स्लाइस अलग रखते तो इसलिए स्लाइस का एक फोल्डर बना लिया और इसके अंदर हम क्या कहेंगे भैया अभी क्या है हमारे पास हम लोग को किसका स्लाइस uh, बनाएंगे तो कार्ट का स्लाइस तो कार्ट स्लाइस डॉट जे तो ये रहा फोल्डर जो रिक्वायर्ड है उसके लिए नाउ कमिंग टू द स्टोर स्टोर में क्या क्या होगा तो आपको याद होगा हम लोग कन्फ्यूगर स्टोर को देख रहे थे कि भाई एक फंक्शन होता है तो हम लोगों को वैसे वैसे ये चीज डिफाइन करना होगा कि ये कन्फ्यूगर स्टोर को इम्पोर्ट कर रहे हैं और ये जो कार्ट रिड्यूसर है हम लोग ये स्लाइस के अंदर सॉरी ये हम गलत जगह पेस्ट कर दिए ऑन कट डाउन यहाँ पर पेस्ट सो so, स्टोर को इंपोर्ट किए और ये जो कार्ड स्लाइस के अंदर जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं कार्ट रिड्यूसर आप इसको कहने को कार्ड स्लाइस भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये क्या करता है आप देखो सिंस ये कन्फिगर स्टोर के अंदर में हम लोगों ने रिड्यूसर फंक्शन को पास करना होता है रिड्यूसर ऑब्जेक्ट को पास करना होता है तो हम लोग कार्ट कार्ट की के साथ रिड्यूसर को पास करेंगे और ये स्टोर रेडी हो चुका है अगेन यूज करने का तरीका सेम है कि भैया ऐप डॉट जीएसएक्स में जाओ और अपने प्रोवाइडर के अंदर में इस स्टोर को इम्पोर्ट करके वहां पर दिखा दो तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारा कार्ड स्लाइस अब कार्ड स्लाइस है क्या तो यही वो जगह है जहां पर हम लोग स्लाइस अपना क्रिएट करेंगे और यूज करेंगे तो क्रिएट कैसे होता है इफ यू रिमेम्बर यहाँ पर क्रिएट स्लाइस हम लोगों का एक फंक्शन आता है जो हम लोग सेम इसी तरह से ये देख लो क्रिएट स्लाइस हम लोग यूज करने वाले इसका अप्रोच देखो क्रिएट स्लाइस रहेगा हमारा एक इनिशियल स्टेट रहेगा और इस इनिशियल स्टेट के बाद हमारा काउंटर स्लाइस यहाँ देख लो जो क्रिएट स्लाइस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा और क्या क्या चीज भेजना होगा नेम इनिशियल स्टेट और हमारे रिड्यूसर फंक्शन इट और हम लोग इसको यहाँ से इतना आसान होता है ये चीज तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही अप्रोच को फॉलो करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है सो so, हम लोग आते हैं और ये रहा so, अब हम लोगों का कार्ड स्लाइस कैसे दिख रहा होगा तो सबसे पहले हम लोगों का दो चीज होगा हम लोगों का यहाँ अभी इसको close कर देते ज़्यादा रहेगा को किए किए और हमारा initial state define दो चीज़ हम लोग हैं स्टोर कर है। है है। करेंगे और दूसरा कार्ट आइटम में क्या क्या है और जब ये हो गया तो अब हम लोग सीधा सीधा अपने पूरे पूरे कार्ट स्लाइस को डिफाइन कर सकते हैं अलोंग विध ऑल द रेडर फंक्शन तो हम लोग आते हैं और यहाँ पे प्लीज ओवरवे नहीं होना है हम लोग एक एक करके एक एक करके फंक्शन को देखेंगे मैं सबको क्लैप्स कर दे रहा हूं ताकि आप लोग घबराओ नहीं सो so, अब स्टार्ट करते हैं ये रहा मेरा कार्ट स्लाइस रिड्यूसर फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर दिया आप देखो मैंने नाम क्या दिया है कार्ट दिया है इनिशियल स्टेट मैंने यहां डिफाइन किया तो उसको यहाँ पे लाइक like डिफाइन कर दिया अब स्टार्ट होता है रिड्यूसर फंक्शन सबसे पहले रिड्यूसर फंक्शन क्या है टॉगल कार्ट भाई मतलब क्या होगा टॉगल कार्ट जिससे हम लोग तो ये स्टेट कभी ओपन होगा या फिर क्लोज होगा बेसिकली कभी फॉल्स होगा या ट्रू होगा तो ये फंक्शन को हर एक फंक्शन को दो चीज मिलता है हर एक रिड्यूसर फंक्शन को स्टेट और एक्शन क्या एक्शन हुआ था तो हम लोग क्या करें स्टेट डॉट स्टेट क्या होगा हमारा इनिशियल स्टेट होगा ये क्योंकि यहाँ पास किया है स्टेट डॉट इज कार्ट ओपन ये जो होगा हम लोग क्या कर रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड एक्शन के अंदर जो भी हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं इधर ट्रू भेजेंगे या फॉल्स भेजेंगे वो चीज यहाँ पर सेव हो रहा है तो यही एक फंक्शनलिटी है टॉकल कार्ड की अब हम लोग इसको बंद करते हैं एड आइटम को ओपन करते हैं एड आइटम में क्या क्या होगा स्टेट मिल रहा है स्टेट बेसिकली ये मिल रहा है और एक्शन में पेलोड में हमको इन्फॉर्मेशन भेजे कि भैया किस वाले बटन पे ऐड टू कार्ड क्लिक किया गया है तो अब आओ यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले न्यू हम हम लोग लोग डिफाइन कर रहे हैं, रहे हैं हैं एक्शन डॉट डॉट से निकाल और चेक कर रहे हैं कि भैया क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप देखोगे जब एड टू कार्ड पे क्लिक करते थे हम यहाँ पर यहाँ पे देखो आप यहाँ आते हैं हम यहाँ अभी इसको रिमूव करते हैं पूरे को ठीक है अब मैं क्लोज किया जब मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया तो देखो ये कार्ट में ऐड हो गया अगर मैं वापस से क्लिक करूं तो ये दो बार ऐड नहीं होना चाहिए बस इसी का क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए इसी फंक्शनैलिटी को चेक करना पड़ेगा हमें तो हम लोग क्या कर रहे कि क्या ये एग्जिस्टिंग आइटम है तो हम लोग स्टेट डॉट डॉट कार्ट आइटम फाइंड ट्रेड करेंगे और आइटम आईडी को मैच कराएंगे कि भाई जो नया वाला आइटम आ रहा है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इफ आईडी अगर मैच कर रहा है तो सी इफ एग्जिस्टिंग आइटम है तो एग्जिस्टिंग आइटम का क्वान्टिटी को खाली बढ़ा दो और कुछ मत करो भैया आप कुछ मत करो

हम लोग सीधा सीधा अपडेट कर देंगे कैसे अपडेट करेंगे तो स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट फिल्टर हम लोग कह रहे हैं कि अगर आइटम डॉट आई डी रिमूव सिर्फ सिर्फ करना है तो इससे क्या होगा की हमारा कार्ड जैसे ये स्टोर मेरा अपडेट होगा देख रहे मैं पूरा पूरा कार्ड आइटम को अपडेट कर रहा हूँ ओवर राइड कर रहा हूँ जब भी ये होगा इसका मतलब मेरा एडे अपडेट हो गया तो फिर पूरा रिनाइंडर होकर आइटम खत्म हो जाएगा फिर आता है इंक्रीमेंट आइटम यू रिमेम्बर कि हम लोगों का कार्ट के अंदर भी प्लस का बटन है कि भैया सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करना तो क्या होगा तो स्टेट डॉट कार्ट आइटम को हम सीधा सीधा ओवरराइट कैसे कर रहे हैं स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट मैप करो और जब आइटम का आईडी पेलोड पेलोट से मैच कर जाए उसके क्वांटिटी को बढ़ा दो अदरवाइज

एक्सपोर्ट कौन टॉकल काटिए जितने सारे थे इन सब को कार्ड स्लाइस डॉट एक्शन कर देंगे इक्वल टू और ये सब एक्सट्रैक्ट कर देंगे ये सारे मेरे एक्शन बन गए और हम क्या कर रहे हैं अपने पूरे पूरे रिड्यूसर को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इफ़ यू रिमेंबर इसी रिड्यूसर को जो हम एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ से यहाँ इम्पोर्ट करके हम लोग लाइक कंफिगर कर रहे हैं तो अब मैं अगर सेव करूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा स्टोर रेडी हो चुका है अब बाकी क्या है अब बाकी है इस स्टोर को यूज करना तो चलिए फिर उसको इसकी तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्ट होगा एप डॉट जीएसएक्स में इफ रिमेंबर हम लोग को प्रोवाइडर के अंदर स्टोर का वैल्यू पास करना होता है फिर रैप करना होता है राइट तो हम लोग उसी को करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे रिएक्ट रिडक्स के अंदर से प्रोवाइडर को निकालते हैं हम लोग निकाल दिए और इस प्रोवाइडर को हम लोग को रैप करना होगा और स्टोर को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं उसकी भी जरूरत है राइट तो हम लोग यहाँ आएंगे स्टोर भी इम्पोर्ट हो गया अब आसानी से हम लोग प्रोवाइडर के अंदर में पास कर देंगे राइट right. तो ये रहा हमारा स्टोर अब स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया है जो कि ऐप के अंदर यूज हो सकता है बट अभी भी एक कंपोनेंट बिल्ड करना बाकी है कौन सा वो हमारा कार्ट कंपोनेंट। क्योंकि सारा वैल्यू तो भैया कार्ट कंपोनेंट में हम लोग स्टोर करेंगे रेंडर कराएंगे तो हम कह रहे हैं कार्ट डॉट जे और यही कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट होगा और ये इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो यहाँ आएंगे हम लोग और फिर यहाँ पे होम के बाद स्लैश कार्ट अब बात रही कि ठीक है भैया हम लोग यहाँ किए अब सेव करके यहाँ आएंगे आप देखो ब्लैंक एक्चुअली ये एरर में रिजल्ट कर गया है एरर क्यों दे रहा है क्योंकि कार्ट तो कुछ ऐसा यू नो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो हम लोगों को एक्सपोर्ट कराना होगा तो हम लोग क्या करते हैं एक एम्टी फंक्शन लिख देते हैं फिलहाल के लिए कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू ठीक है और इसके अंदर से हम लोग क्या करते रिटर्न डेव कार्ड और लास्ट में हम लोग बस एक काम करते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सब जगह यूज कर रहे हैं तो so अब मैं सेव करूंगा तो आप ओके okay, अभी भी आ जाना चाहिए था यार हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या कॉम्पोनेट्स डॉट कार्ड में इसमें कमांड क्लिक करो तो यहाँ तो आ जा रहा है कार्ट डॉट जे एक्स में पर ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा है क्या वे ब्रेक कर रहे हैं हम लोग स्टोर में जाए स्टोर भी सही है क्या ब्रेक हो रहा है लेट्स फिगर आउट हम लोग कंसोल देखते हैं कंसोल ओके एरर्स द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइडेड अच्छा डिफॉल्ट नहीं है भाई डिफॉल्ट तो दे दिया मैंने ये तो दे दिया ओके okay, आ गया देखो पहले एक हार्ड रिफ्रेश करने की जरूरत है और कुछ नहीं ठीक है भाई तो अब ये कार्ट आ गया बट मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है तो भाई नहीं होगा ना वो हेडर का लॉजिक लिखना बाकी है ना तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भैया कार्ट जब इस पर क्लिक करे तो मुझे दिख जाना चाहिए तो इसका लॉजिक हमें कहा लिखना होगा तो इसका लॉजिक लिखना होगा हमें हेडर कॉम्पोनेंट के अंदर तो हेडर कैसे इसको यूज करेगा तो आप इसको फिगर आउट करते हैं तो हेडर कॉम्पोनेंट के अंदर क्या करेगा हेडर कार्ट का कार्ट को यार है आपको मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या के रखा आप देखो यहाँ पर एक टॉगल स्टेट भी बना हुआ है इस कार्ट ओपन तो ये वैल्यू को निकालेगा एंड बेस्ड ऑन इज इट ट्रू और फॉल्स ये हमारे कार्ट कंपोनेंट को यहाँ पे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा तो उस अगेन अब काम आता है दो चीज पहला चीज तो हम लोगों को स्टोर से वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना होगा हम लोगों को यूज सेलेक्टर हुक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग को सिलेक्ट करना है एक्शन को डिस्पैच करने के लिए कौन सा हुक चाहिए होता है

जीरो के अलावा भी होगा जितने आइटम रहेंगे उतने वैल्यूज होंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ आकर कॉन्स्ट कार्ट आइटम के हम लोग निकाल रहे थे यूज सेलेक्टर के अंदर स्टेट होता है स्टेट डॉट कार्ट जो की मैंने डिफाइन किया है उससे हमारा क्या निकलेगा कार्ट आइटम ये हम लोगों ने यहाँ निकाला नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर इसके क्लिक करने पे ट्रू को को भी करना है तो उसके लिए हम लोग को एक्शन भी डिस्पैच करना होगा है ना तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक एक्शन डिस्पैच भी लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इज यूज डिस्पैच हम लोग यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाए और हम लोग कह रहे हैं कि भैया इसके ऑन क्लिक पर इसके ऑन क्लिक पर हम लोग एक डिस्पैच करेंगे किस तरह का एक्शन टॉगल cart ओपन ओपन का वैल्यू या तो ट्रू भेजेंगे या फिर फॉल्स भेजेंगे जो भी होगा वो भेजेंगे और टॉगल cart को यहाँ पे डिस्पैच होगा और ये जब डिस्पैच होगा तो ये या तो हमारा ये क्या करेगा जब डिस्पैच होगा तो भैया ये यहाँ आएगा इस कार्ड स्लाइस के अंदर में फॉल्स को जो भी पेलोड आएगा रहेगा ट्रू फॉल्स वो चीज सेट कर देगा और हम लोग उस वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पर या तो कार्ड कॉम्पोनेंट को दिखाएंगे या फिर नहीं दिखाएंगे ठीक है वो चीज तक तो हो गया और यहाँ पे एक और चीज हमारी जरूरत है कि कार्ट के के की क्वांटिटी के लेंथ क्योंकि जिस कार्ट क्वांटिटी जो है कार्ट आइटम जो हम लोग निकाले इसके लेंथ पे डिपेंड करता है तो यहाँ जो हम लोगों ने हार्ड क्रेड वैल्यू जीरो डाल के रखा है अब इसके बदले हम लोग कार्ट क्वान्टिटी डाल सकते हैं तो ये रहा इतने तक तो हो चुका अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो आप देखो अभी भी ये जीरो दिखा रहा है तो भैया ये एक्सेप्टेड है क्योंकि अभी जीरो हमारा कार्ट एम है राइट तो अब हमारा आगे का काम क्या बचता है कि ये जो बटन है ये कार्ट का इस पर क्लिक पे हमारा ये वाला कॉल होना चाहिए तो ये तो भाई बहुत आसान सा काम है एक ऑन क्लिक लिख देना है किसके लिए एक ऑन क्लिक हमको अपने इस डिव के लिए लिख देना है जिसके अंदर कार्ट है तो हम लोग इस डिव के लिए एक ऑन क्लिक लिखेंगे ऑन क्लिक पे हम क्या करें हैंडल ओपन कार्ट और ट्रू भेज दो ये ट्रू भेज रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे ट्रू जाएगा अब हम लोग इसको सेव करते हैं सेव किया अभी भी कुछ नहीं हो रहा है अब मैं इस पे आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है अभी भी देखो अभी कुछ नहीं हो रहा था बेसिकली कार्ट जो है हम लोगों ने यहाँ से ट्रू तो कर दिए पर ये ट्रू होकर कार्ट कॉम्पोनेंट को ओपन का लॉजिक कहाँ लिखा मतलब आप इस तरह से देखो कार्ट कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है यहाँ पे अब अब मैं आता हूँ अभी अगर मैं यहाँ पे देखो ये कार्ट कंपोनेंट सीधा सीधा यहाँ रेंडर हो रहा है क्यों रेंडर हो रहा है क्योंकि अगर आप आकर देखोगे यहाँ पे हमारे एप में हम लोग सीधा सीधा हेडर होम और कार्ट ऐसे दिखाया है तो हेडर देखा, फिर यहाँ पे होम मतलब ये प्रोडक्ट्स दिखा और कार्ट दिख रहा है तो ये हम लोगों को अब बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन दिस दिस टॉगल कार्ट के ट्रू या फॉल्स होने पर हमको ये कार्ड को कंडीशनली इस साइड से ओपन करना है या क्लोज करना है ये सब एस टी एम एस एस का जो काम है अब हम लोग करेंगे तो भैया ये रहा हेडर ऑट जे यहाँ तक तो हो गया और ये सारे काम कहाँ होंगे कार्ट के अंदर होंगे कि अब कार्ट कंडीशनली कब ओपन होगा कब नहीं होगा ये सब चीज हम लोगों को लिखना है तो इसके लिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे और यहाँ कार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपन क्लोज ही नहीं इसके साथ और भी सारी फंक्शनलिटीज है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं सो पहले मैं कार्ट का कुछ एक बेसिक सा कोड लिखता हूँ फिर हम लोग देखते हैं ऑल राइट सो मैंने यहाँ पे अगेन अभी मैंने एक छोटा सा बेसिक सा कोड लिखा है जो कि कर क्या रहा है So, देखते हैं तो so, सबसे पहले हम लोग यूज सेलेक्टर से हम लोगों को क्या है मैंने क्या बोला था ये कार्ड कंपोनेंट जो है अभी देखोगे यहाँ नीचे से गायब हो चुका है तो बेस्ड ऑन ट्रू या या फॉल्स ये चीज दिखाई देगा या नहीं देगा नहीं तो हम लोग यहाँ से इज कार्ड ओपन निकाल रहे हैं एट द सेम टाइम जब ये दिखाई देगा तो बंद भी तो करना है तो भैया जब हम लोग यहाँ पर जब हेडर के पास से ओपन को ट्रू भेज रहे हैं तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको फॉल्स भी भेजना होगा तो इसलिए ये लॉजिक लिखा हुआ है तो यहाँ देखो यूज इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं बट आप देखो इच कार्ट ओपन मैंने वैल्यू निकाला है कहाँ से अपने स्टोर से ग्लोबल स्टोर से डिस्पैच का इंस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे हैंडल क्लोज कार्ड का एक फंक्शन लिखा है जो कि डिस्पैच कर रहा है इस बार क्लोज बेसिकली फॉल्स तो यहाँ देखो ये यह क्या है मेरा एक अगर इच कार्ड ट्रू हुआ तो जाके ये सारी चीज रेंडर होंगी नहीं तो नहीं होंगी और जब रेंडर होगा तो क्या क्या दिखेगा कार्ट दिखेगा और यहाँ एक डिव है जिसके अंदर में ऑन क्लिक पे हैंडल क्लोज कार्ट बेसिकली फॉल्स हम लोग भेजेंगे तो ये लॉजिक लिखी हुई है अब मैं सेव करता हूँ और इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है अगर जब जब ये इस कार्ट ओपन ट्रू या फॉल्स होगा जब जब ये बदलेगा तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से यहाँ से पूरा पूरा इंस्टेंस निकाल रहे हैं और ये क्लास बेसिकली एक क्लास लगा रहे हैं और हटा रहे हैं कि या तो अगर ओपन है तो ये वाला क्लास लगा दो और ओपन नहीं है तो ये हटा दो क्योंकि हम लोगों को एक स्टाइल के साथ यहाँ से निकालना है और अगर आप इसको सर्च करोगे अपने इंडेक्स डॉट एस सी तो इसकी लॉजिक भी मिल जाएगी कि ओवरफ्लो हिडन होगा या फिर दूसरे केस में सोन होगा तो यहाँ हम लोग वापस आते हैं और अब मैं यहाँ पर आकर अगर इस आइकन पे क्लिक करूँ तो आप देखो ये मेरा पूरा पूरा कार्ट का दिख रहा है और यहाँ पे ये क्लिक करूँ ये क्रॉस पे यही क्रॉस पे हैंडल क्लोज हो जाएगा तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा दिस इज हाउ द फंक्शनलिटी इज देयर नाउ अब क्या बचा अब मेरा भाई यहाँ तक का काम हो गया अब बचा है कि ये प्रोडक्ट के अंदर जब एड टू तो कार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट्स एड हो जाने चाहिए राइट राइट right, तो ये चीज होना होगा और अगर आपको याद होगा दो चीज और हो हो है है एक और कि एक और चीज जब बार ये प्रोडक्ट ऐड जाता है, मैं से क्लोज करू तो आप देखना पे जब मैं ऐड टू कार्ट करूंगा ना तो यहाँ पे एडेड आएगा और फिर तुरंत से टू एड, कार्ट का बटन इनेबल हो जाएगा मैं क्लिक किया एडेड एड टू कार्ट तो ये फंक्शनलिटी भी मुझे लिखनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कहाँ आएंगे प्रोडक्ट डॉट जे में आएंगे प्रोडक्ट कार्ड डॉट जे में और इसके अंदर हम लोग रिक्वायर्ड इम्पोर्ट कर लेंगे तो कौन कौन से इम्पोर्ट करने हैं बस तीन भैया स्टेट मेंटेन करना होगा क्यों मेंटेन करना होगा मैं बताता हूँ क्योंकि ये एड टू कार्ट और एडेड के बीच में स्विच करना है सेट टाइम आउट का हम लोग हेल्प लेंगे तो उसके हेल्प से Use dispatch, क्योंकि जब ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तो हम लोग को एक एक्शन करना होगा कि भैया कार्ट में ऐड कर दो Similarly, add item वो स्लाइस है वो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है जिसके हेल्प से हम लोग आइटम को बेसिकली uh, ऐड करेंगे तो ये चीज हो गया अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं ये सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा हम लोगों को एक स्टेट डिफाइन करना होगा क्यों क्योंकि यही इज एडेड और जो टॉगल करेगा ट्रू फॉल्स के बीच में यही वो हेल्प करेगा हमें फिर हम लोग क्या करते हैं हमेशा की तरह एक डिस्पैच का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं तो भैया ये रहा डिस्पैच का इंस्टेंस अब हम लोगों का काम क्या होगा हैंडल एड टू कार्ड फंक्शन को लिखना तो ये कब काम होगा कि हैंडल एड टू कार्ड कब लिखा जाएगा वो तब लिखा जाएगा कि जब हम लोग इस पे बटन पे ऑन क्लिक करें तो ऑन क्लिक करेंगे दो तो तीन चीजें होंगी सबसे पहला हम लोग जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा क्लास नेम बटन अगर इज एडेड ट्रू होगा तो एडेड क्लास लगेगा नहीं तो ये नहीं लगेगा ये कुछ सेसेस के लॉजिक के लिए लिखा है अदर देन कुछ नहीं है जब ऑन क्लिक होगा तो हैंडल एड टू कार्ड फंक्शन को कॉल करेगा जो कि अभी मैंने डिफाइन नहीं किया मैं डिफाइन करूंगा सिमिलरली ये हमेशा एड टू कार्ड नहीं रहेगा आप देखोगे रिमेम्बर की एड टू कार्ड के बीच में स्विच कर रहा है तो वो कैसे स्विच करेगा उसी को स्विच करने के लिए हम लोग ये लॉजिक को लिखेंगे भैया अगर इस एडेड अगर ट्रू हो तो एडेड add, दिखाओ नहीं तो एड टू कार्ड दिखाओ तो ये चीज हो गया अब लास्ट एक ही काम बचा वो काम क्या है हैंडल एड टू कार्ड फंक्शन को डिफाइन करना तो वो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ दिखाता हूँ हैंडल एड टू कार्ड क्या कर रहा है पहले तो आइटम को निकाल रहा है प्रॉप्स में से यू सी जिस पे क्लिक करे उसका प्रॉप्स का इंस्टेंस इसके पास अवेलेबल है तो मैं वो पूरा पूरा आइटम निकाला और डिस्पैच कर रहा हूँ ऐड आइटम

तो अब ये रहा हमारा ऐड टू कार्ड बटन आ गया और जैसे ही मैं इस पे एड टू कार्ड पे क्लिक करूँगा देखो एडेड हुआ और फिर जाके एक सेकेंड के बाद इसको अगर आप चाहो तो पांच सेकेंड भी कर सकते हो तीन सेकेंड करते हैं अब सेव किया सेव हुआ आप देखो यहाँ पे क्वांटिटी में वन आ गया इसको ओपन कर रहे थे इसके अंदर आइटम नहीं दिखा रहा है पर मतलब स्टोर में ऐड होना चालू हो गया है अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा जैसे क्लिक किया ऐड टू कार्ट एडेड रहा तीन सेकंड होने के बाद ये ऐड टू कार्ट में वापस बन जाएगा अब आइटम काउंट देखो तो हमारा लॉजिक काम करना स्टार्ट कर दिया है तो अब हम लोगों का ये चीज रेडी है यहाँ से प्रोडक्ट तो ऐड हो रहा है अब एक आखिरी काम बचा हुआ है वो काम क्या है तो आखिरी काम यही है कि भैया जब ये कार्ट ओपन हो तो हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रॉपरली लिस्ट डाउन हो जाए और उसके साथ साथ वो प्लस माइनस का बटन फंक्शनल हो तो हम लोग यहाँ आएंगे और एक आखिरी बार कोड कॉपी पेस्ट होगी और इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे घबराना एकदम नहीं है मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आते हैं और देखते हैं ठीक है अब आप अगर देखोगे हम लोग क्या चीज कैसे यहाँ पे इम्पोर्ट किए हुए है आप देखो टॉगल कार्ड तो पहले से था ही हम लोगों ने रिमूव आइटम को यहाँ से उठाया अपने स्लाइस के अंदर से इंक्रीमेंट आइटम डिक्रीमेंट आइटम क्योंकि इफ यू रिमेम्बर यहाँ पर हम जब कार्ट ओपन करते हैं तो ये इंक्रीमेंट माइनस सॉरी इंक्रीमेंट प्लस और डिक्रीमेंट माइनस है और ये क्रॉस रिमूव है तो ये तीनों का तीनों हम लोगों का एक्शन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने इसको अवेलेबल कराया Other than this, उसके ये इस कार्ट ओपन रहे थे साथ टॉकल का तो कर, कर देना है क्लोज बेसिकली फॉल्स आएगा फॉल्स भेज देना है इसके अलावा अब आता है, है हैंडल रिमूव जब रिमूव होगा तो हम लोग आइटम आईडी को पास करेंगे क्योंकि इफ यू रिमेम्बर हमारा जो स्लाइस है हमारा जो स्लाइस है रिमूव आइटम का ये एक्शन के अंदर में क्या ले रहा था आप एक्शन डॉट पेलोड देखोगे तो हम लोग बस आई डी भेजेंगे और आई डी यहीं पर मैच कराया जाएगा तो हम लोगों को आई टी में का बस आई डी भेजना है रिमूव के केस में इंक्रीमेंट के केस में भी बस आई डी भेजना है और ये बस ए को प्लस करेगा डिक्रीमेंट के केस में माइनस करेगा तो ये सारा कुछ हम लोग स्लाइस के अंदर लिख चुके हैं ये इफेक्ट सेम है अदर देन दैट यहाँ पे कार्ट क्वांटिटी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी जब ये ओपन हो इफ यू रिमेम्बर अगर मैं वापस आऊँ यहाँ ओपन हो रहा है तो कार्ट के बगल में दो आइटम दिखा रहा है तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कार्ट क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद इफ यू रिमेम्बर यहाँ पर ये यह जो टोटल कैलकुलेट हो रहा है इसी को हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कार्ट टोटल क्या कर रहा है कार्ट आइटम डॉट मैप इसके ऊपर करना स्टार्ट कर रहे हैं हर बार एक आइटम ले रहे हैं आइटम का प्राइस निकाल रहे हैं उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ये रिड्यूसर फंक्शन लिखा है कि एक एक करके रिड्यूसर के पूरा पूरा इट्रेशन होने के बाद एक फाइनल कैलकुलेटिव टोटल सम वैल्यू निकल जाए और ये सारे मेरे लॉजिकल पार्ट हो गए इन सब को यूटिलाइज करना है तो सबसे पहला बात अगर ये कार्ट ओपन का वैल्यू ट्रू होगा तभी जाकर इतनी सारी चीजें लॉजिक रन करेंगी नहीं तो नहीं रन करेंगी अब रन करेंगे तो क्या क्या हो रहा है कार्ट है और हम लोग कार्ट क्वांटिटी को दिखा रहे हैं सिमिलरली यहाँ पे ऑन क्लिक पे इफ यू रिमेम्बर जो ओपन होने के बाद क्लोज होता है वो चीज़ है उसके अलावा अगर कार्ट आई क्वांटिटी अगर जीरो हुआ ये क्वांटिटी टोटल जीरो हुआ तो इफ़ यू रिमेम्बर यहाँ मैं आता हूँ यहाँ मैं अगर इसको रिमूव कर दू इसको भी रिमूव कर दू तो अगर पूरा जीरो हुआ तो कार्ट इज एमटी रेंडर होना चाहिए तो ये क्या कह रहा है कि अगर कार्ट का क्वांटिटी जीरो हो तो कार्ट इज एम्प्टी रेंडर कराओ नहीं तो बेसिकली टर्नरी कंडीशन के अंदर ये सब कुछ रेंडर कराओ सब कुछ अब ये सब कुछ क्या है इसको देखते हैं सब कुछ क्या क्या है कार्ट आइटम के ऊपर मैप कर रहा है इटरेट करना स्टार्ट कर रहा है आइटम को उठाया और आइटम में से आईडी इमेज टाइटल प्राइस क्वांटिटी सब कुछ निकाल लिया और आइटम का टोटल निकाल रहा है क्योंकि इफ यू रिमेम्बर यहाँ मैं आऊ यहाँ पे आता हूँ एड टू कार्ट किया यहाँ आ रहा हूँ जब मैं इसे प्लस कर रहा हूँ तो देखो ये प्राइस बढ़ते जा रहा है क्योंकि दो क्वांटिटी है तो ये चीज भी कैलकुलेट होना जरूरी है तो यही चीज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आइटम टोटल कर रहा है कि इंडिविजुअल आइटम का टोटल क्या है प्राइस इनटू क्वांटिटी और बस इन सारे वैल्यूज को एक्सट्रैक्टेड को डिव और एस का यूज करके यहाँ इमेज का एसआर सेट हो रहा है यहाँ पर टाइटल सेट हो रहा है यहाँ पर आइटम का टोटल प्राइस सेट हो रहा है यहाँ पर ऑन क्लिक होने पर हैंडल डिक्रीमेंट वाले एक्शन को या हैंडल इंक्रीमेंट वाले एक्शन को कॉल किया जा रहा है सिमिलरली वो क्रॉस को करने पर हैंडल रिमूव एंड यू सी एवरी टाइम आई एम पासिंग द आई क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेलोड में आई की जरूरत है क्योंकि हमारा कार्ड स्लाइस आई के बेसिस पे मैच कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली डिलीट या रिमूव या

और ये देखो डिसेबल्ड मोड में है अब मैं इसको बंद करूंगा एक आइटम को ऐड करता एड टू कार्ट एडेड अब यहाँ पे क्वांटिटी वन हो गया अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आ गया है वन जीरो नाइन एन और ये अब इनेबल्ड है अब मैं इस पे प्लस माइनस करता हूँ माइनस किया तो कार्ट एम्प्टी हो गया वापस से सेम कंडीशन में हम लोग चले गए कार्ट वापस से एड टू कार्ट तो आइटम एक ही तरह का है पर क्वांटिटी दो हो चुका और प्राइस देखो बढ़ गया गया मैं वापस से प्लस ये हो सिमिलरली आई कैन कम ओवर टू कार्ट कर दिया अब मैं यहाँ ओपन करता हूं तो ये चीज ओपन हो गया और यहाँ पे टोटल अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो गया सो दिस इज लाइक सी हम लोगों का कितना सारा बॉयलर प्लेट हट गया ऑल वी हैड टू डू कि एक कार्ड स्लाइस का लॉजिक एक सिंपल से यहाँ लिखना था और जस्ट इसके हेल्प से अब हमको ना ही एक्शन डिफाइन करना आप भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट तो sure कर रहे हो तो मेक श्योर की अगर आप रिडक्ट यूज कर रहे हो तो रिडक्स टूल किट अप्रोच को फॉलो करो क्योंकि अब ये इंडस्ट्री में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और सब कुछ अनलेस प्रोजेक्ट है तो वो अभी भी रिडक्स कोड को यूज कर रहा है अदर देन दैट हर एक कंपनी हर एक